गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया, उसके बाद ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंडिसेस डिड नॉट यूनिक इन पांडास सीरीज। जो हम इंडेक्स यूज करते हैं उसमें जो वैल्यू होते हैं सिक्वेंस में होते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो एक ही सिक्वेंस में हो, उसके डुप्लीकेशन भी संभव हो, क्योंकि पाइथन इसमें कोई एरर रिड्यूस जेनरेट नहीं करता। यू कैन हैव डुप्लीकेट एंट्रीज इन द इंडेक्स एरे एंड पाइथन वुड नॉट रेज एनी एरर। फॉर एग्जाम्पल देखे, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं कि हम इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यू यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम दोनों का इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट नंपी एज एनपी। नंपी इसलिए क्योंकि हम अरेंज फंक्शन यूज करेंगे अरे के लिए, इसलिए हमने नंपी यूज किया। उसके बाद पांडास को ले लेंगे इम्पोर्ट एज पीडी, क्योंकि सीरीज से हमको यूज करना है, पीडी डॉट सीरीज यूज करना है, इसलिए हम लोग पांडास पे यूज करना पड़ा। अब सबसे पहले हम अरे क्रिएट करेंगे, वन डायमेंशनल अरे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए इक्वल टू, इसे लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, नंपी, यहाँ पे नंपी है, नंपी डॉट अरेंज, ए आर ए एन जी, अरेंज एक रेंज दे देते हैं। वैसे मान लेते हैं वन, एक वैल्यू रेंज ले लेते हैं 1, 10, 1.5, एक रेंज। इसमें इनिशियल वैल्यू इज 1, फाइनल वैल्यू इज 10, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1.5, ठीक है। तो याद रखिए लास्ट वैल्यू सीरीज इसमें अरेंजमेंट में वो इलिमिनेट करता है, एक्सक्लूसिव नहीं करता है, ठीक है। तो अरेंज में कुछ वैल्यू जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू जनरेट होगा, पहला वैल्यू जनरेट होगा यहाँ पे, चूंकि अरे है तो कॉमा नहीं होगा, यानी पहला आएगा 1 डॉट, ठीक है, डॉट मेजर आएगा। दूसरा है 2.5, फिर 4.0, फिर 4.0, फिर 5.5, 7, फिर 8.5, 10 को एक्सक्लूसिव नहीं किया, ठीक है। ये हमारा एरे जनरेट हुआ एक, जो जो वैल्यू जनरेट होता गया एम। अब इस ए को पास करेंगे एज आर्गुमेंट टू द फंक्शन सीरीज। कैसे करेंगे, मान लेते हैं एस लेते हैं, एस इक्वल टू पीडी डॉट सी, एस कैपिटल सीरीज, हमने ए को पास करा, ए हमारा वन डायमेंशनल अरे। यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू, हम इंडेक्स में होता है, मैंने बताया था कि आप जरूरी नहीं कि सिक्वेंस होना चाहिए, आप डुप्लीकेट लेते, मान लीजिए हमारा कितने वैल्यू जनरेट हुए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 वैल्यू देना। मान लीजिए हमने दिया ए, फिर इसी को रिपीट कर दिया ए, फिर मान लीजिए दे दिया डी, फिर यहाँ दे दिया एफ, 1, 2, 3, 4, एक और जाएगा से दो वैल्यू आएगा, फिर से ए को कर देते हैं, मान लीजिए ए यहाँ पे कर देते हैं बी अपना, तो टोटल 6 वैल्यूज हैं हमारे इंडेक्स में, लेकिन ऑर्डर में नहीं है सिर्फ, लेकिन रिपीट भी हो रहा है, डुप्लीकेशन भी संभव। अब इसको लगते हैं प्रिंट एस, तो ये आउटपुट क्या हमारा जनरेट करेगा, यहाँ पर लिखता हूँ आउटपुट। सबसे पहले हम इंडेक्स पे आते हैं, ए फिर ए फिर बी फिर एफ फिर ए फिर बी, ये हमारा इंडेक्स हुआ। देखिए इंडेक्स में हमारा डुप्लीकेशन भी हो रहा है 3 बार, ए ए ए डुप्लीकेट, और हमारा वैल्यूज क्या क्या आएगा, 1.0, 2.4, 4.0, 5.5, 7.0, 8.1, क्योंकि डेटा टाइप फ्लोटिंग है, यहाँ बाय डिफॉल्ट दिया रहता है डी टाइप बाय डिफॉल्ट आता है, इसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। मेन चीज आपका ये है आउटपुट का, इंडेक्स और वैल्यूज। सीरीज में हमेशा वर्टिकल ही आएगा याद रखिएगा, और जब हम एरे को रखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले होता है। तो ये आप टॉपिक क्या है कंप्लीट होगा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, एट्रीब्यूट्स चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू।